नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल लकी स्टार में। आज हम बात करने वाले कि आप पेटीएम के द्वारा किस प्रकार से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप पेटीएम एप्लीकेशन के द्वारा किस प्रकार से अपने ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। ये जैसे कि देख सकते, ये हमने अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिया हुआ है, जिसका होम पेज आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, तो सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट पे क्लिक कर लेना है। ट्रेन टिकट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेटिंग टू लेटेस्ट वर्जन, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रेन टिकट बुक करने का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम ट्रेवल, यहाँ पे होम पेज का देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बुक टिकट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो सिंपली आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बाई स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन के द्वारा करना चाहते हैं या बाई ट्रेन, ठीक, तो आप दोनों के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्टेशन के थ्रू करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से आपको ट्रेवल करना है वहाँ का नाम, और जहाँ तक करना है वहाँ का नाम, तो यहाँ पे मैं सोर्स स्टेशन में यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ आनंद विहार टर्मिनल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरे को जाना है वहाँ तक का यहाँ पे नीचे लिख देना है आपको, मऊ लिख देता हूँ मैं, मऊ जंक्शन। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इंटर हो चुकी है, कि मुझे आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से मऊ जंक्शन तक यात्रा करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपने रिसेंट में कोई ट्रेवल करना चाहते हैं एक दो दिन में, तो यहाँ पे आप इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो सिंपली जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर खुल के आ जाएगा। तो हमको टिकट करना है मई के महीने में, तो हम यहाँ पे मई का महीना देख लेते हैं, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं अपना डेट, जिस डेट में हमको ट्रेवल करना है। तो मैं यहाँ पे 25 मई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो सिंपली आपको सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रेन यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो ट्रेन उस डेट में अवेलेबल होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ट्रेन शो हो रही है, तो आप जिस ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं उस ट्रेन का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे देख सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी, यहाँ पे देख सकते हैं कितना सीट इसमें अवेलेबल है। सेकेंड सीटिंग यानी कि जो जनरल क्लास की सीट है, जो सीट है उसमें कितना सीट यहाँ पे अवेलेबल है। फिर से यहाँ पे एसी में देख सकते हैं, सेकेंड एसी में। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी ट्रेन भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे उसका टाइम भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसकी सीट अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, कि यहाँ पे जनरल में 272 सीट है। फिर से यहाँ पे जो स्लीपर क्लास है इसमें 55 सीट अवेलेबल है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली आपको जिस ट्रेन में आपको ट्रेवल करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरल का टिकट मेरे को करना है। तो मैं यहाँ पे जो टिकट है मेरा, ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं जनरल वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, सेकेंड सीटिंग में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे एक कैलेंडर खुल के आ जाता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेनू बार टाइप का, कि आप यदि आगे की डेट में करना चाहते हैं तो इसमें भी यहाँ पे आपको सीट स्लो कर रही है, और यहाँ पे आपको बुक का ऑप्शन मिल रहा है। तो यदि आप 25 तारीख मतलब जिस डेट में करना चाहते हैं तो उसी डेट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। तो मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 25 मई को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बुक पे प्रेस कर लेता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे बुक पे प्रेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IRCTC का जो अकाउंट होता है वो यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। यदि आपने पहले से कभी करा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे इंटर अनदर IRCTC अकाउंट, आपने पहले नहीं किया होगा कभी बुक इससे, तो यहाँ पे आपको ये शो होगा। तो जब आप इस पर टाइप करेंगे, जब इस पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका IRCTC अकाउंट डालने के लिए आएगा। तो आपका जो IRCTC अकाउंट का यूज़र नेम होता है, सिर्फ आपको वही यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो मेरा IRCTC अकाउंट का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना इंटर कर लिया है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अब आपका आपका एड्रेस भरने के लिए आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे
अपना जो ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। तो सिंपली जो यदि जो जो कैंडिडेट आपका ट्रेवल करने वाला है या आप करने वाले, तो यहाँ पे आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी जो वो है भाई साहब मेल है तो मेल कर लेना, फीमेल है तो फीमेल करना, या ट्रांसपेरेंट जेंडर तो आपको वो सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको उसका नाम लिख लेना है और यहाँ पर एज लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं अपने उसका नाम लिख लेता हूँ जो भी नाम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको एज लिख लेना है, जितनी भी उनकी एज हो लगभग में यहाँ पर आपको उनकी एज भी लिख लेनी है। यदि आप उसको सीट चूज़ करना चाहते हैं कि आप किस साइड का सीट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। विंडो साइड करना चाहते हैं तो विंडो साइड कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे इसको विंडो साइड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नेशनलिटी में इंडिया रहने देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नाम वाम पता होता। ठीक, उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना है। यदि मान लीजिए आपने और कैंडिडेट को इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस पर ऐड करके ऐड चाइल्ड यदि है या कोई बड़े हैं तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। कोई बच्चे को यदि आप ट्रेवल करना चाहते हैं साथ में लेके, मतलब कोई बच्चा आपके साथ है, तो उसको आप यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा। यदि कोई बड़े हैं यदि, तो आप उसको इसके इस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरेट प्रीफ्रेंस नोट, इसको सेम इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, उस ट्रेवल का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है या अपना ही रहने दें। ऐसे अच्छा रहता है कि यदि आप ट्रेवल का जो यात्रा करने वाला उसका डालते हैं, तो उस पर मैसेज आता है, वो उसके लिए अच्छा रहता है। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर आपको एड्रेस इंटर कर लेना है, एड्रेस इंटर कर लेना है, आपने जहाँ पर जाना है वहाँ का एड्रेस इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस इंटर कर लेता हूँ, जैसे कि जाम। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो भी आप यहाँ का पिन कोड है आपका। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपना पिन कोड भी इंटर कर लिया हुआ। ठीक, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना ये पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, यूपी तो आपका रहना जो भी आपका स्टेट होगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे आखिर एड्रेस डालना कहाँ का है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो यही लगता है कि जहाँ पे आपको जाना है वहीं का एड्रेस यहाँ पे भरना होगा। ठीक, यानी कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहीं का एड्रेस और यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे सारी जो जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे भरना होता है। तो ये कोई खास मतलब इसके लिए कुछ वो टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको इसके रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत आएगी। यदि आप इसको गलत भी भरते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सही भरेंगे तो आप के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं एक्सीडेंटल उसका जो ट्रेन का होता है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं या अन्यथा आप नीचे वाले पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.35 पर पर्सन है, तो बहुत ही कम है, आप इसको ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक टू प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड कम्प्लीट एड्रेस फॉर योर ओन सेफ्टी, सॉरी हमने एड्रेस में कुछ लगता है छोड़ दिया है वो, सॉरी यहाँ पे एड्रेस में हमने सिर्फ यहाँ पे जाम लिख, हम यहाँ पे पूरा एड्रेस थोड़ा लिख लेते हैं हम। ठीक, ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख लिया। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना और यहाँ पे प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद एक बार आपको यहाँ पे और शो करता है कि यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा आपकी ट्रेन यहाँ पे देख लेना है कि आपका ट्रेन जो आप बुक कर रहे हैं वही ट्रेन है कि नहीं। यहाँ पे आपको डेट वोट भी देख लेना है कि 25 मई को कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो आपकी टाइमिंग है सब कुछ यहाँ पे आपको एक बार शो कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे आ जाना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिकट की वैल्यू आपको शो हो रही है यहाँ पे 292 रुपये। ठीक, मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा, यदि आप यहाँ पे पेमेंट का पेज खुल के आ चुका है, आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं जिस मेथड से आप यहाँ पे पेमेंट उसका कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड किसी चीज़ से करना चाहते हैं, तो सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहा है।
तो यहाँ पे आप यदि पेटीएम पेमेंट बैंक से करना चाहते, सॉरी अपने बैंक इसमें ऐड करा है तो उससे करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, या यदि आप यूपीआई से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जो हमारा बैंक ऐड है हम उसी से कर लेते हैं, यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक से इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपना कर लेते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ मैं। ये शायद आपको पेज शो ना हो रहा हो क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए आपको हाइड करके रखता है। तो यहाँ पे कोई खास मतलब उतना ज़्यादा इसमें कोई वो चीज़ें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, आपने आपका IRCTC पासवर्ड याद होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बुक कर दिया और यहाँ पे, हालांकि उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, यदि बुक नहीं होता तो आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका IRCTC का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। ये पेमेंट के बाद सबसे लास्ट में आता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं हमने अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये कैप्चा आपको शो हो रहा है वो यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। ठीक, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ट्रेन टिकट है ये बुक हो चुका है। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ट्रेन का जो टिकट है यहाँ पे बुक हो चुका है। फाइनली यहाँ पे आपको सीट नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म टिकट यहाँ पे आपको मिल चुका है, D295 कंफर्म टिकट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको PNR नंबर भी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, यहाँ पे PNR नंबर आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि आप इस टिकट को कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे भी मिल जाता है डाउनलोड टिकट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड टिकट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये देखिए ये आपका टिकट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, अन्यथा आपको ये आपको मेल आईडी पे भी सेंड किया जाता है, आप वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने IRCTC के एप्लीकेशन से जाके बुक माई ट्रेन टिकट हिस्ट्री में से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से जुड़ी किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल लकी स्टार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.